तो गाइज़ अभी रात के 10 बजे हैं और अभी हम जा रहे हैं पहले चर्च में, उसके बाद आपको दिखाएंगे दैवे, द एवे, उसके बाद और आपको फिर उसके दिखाएंगे बाद दैवे, वो जो रिसर्च पॉइंट हम गए थे दिन में वहां पर। उसके बाद जो रिसर्च पॉइंट आपको दिखाया था वहां दिखाएंगे। हालांकि अभी हमारे पास ज़्यादा संसाधन नहीं है गाइज, ये देख लो ये आप, टॉर्च लेके आए टॉर्च हैं। लेके आए हैं हम लोग। तो ठीक है गाइज, अब व्लॉग को शुरू करते हैं। हम केवल 2 लोग हैं गाइज, तो ठीक है गाइज चलते हैं अंदर। तो ये गाइज हम अभी अंदर को जा रहे हैं, इस वाले गेट से चलेंगे इसकी बार, वो जो बड़ा था। कोई बात नहीं, टॉर्च गिर गई गाइज हमारी। तो अभी हम 10 बजे रात के अभी यहाँ आए हैं। ये वही जगह है जहाँ हम मॉर्निंग में आए थे अभी, और ये मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, ये जो ये लॉबी ना, ये जो ये वही जगह है गाइस जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बुक्स रखते थे। और अभी लाइट भी अच्छी आ रही है यार, यहाँ पर बुक्स रखते थे इस पूरे इलाके में, आप देख सकते हो। ये वो जगह है जो हम मॉर्निंग में आपको दिखाई थी। ये बहुत बढ़िया पवित्र स्थल है जहाँ पर आपको कोई खतरा नहीं है। मैंने आपको दूसरी जगह दिखाई थी जहाँ पे ये पादरी जी बैठते थे हमारे, ये देखिए, ये मैंने वो टेबल दिखाई थी आपको, ये देखो। अभी हम चर्च के अंदर हैं गाइस, अभी 10:30 बज चुका है। हाँ 10:30, मैं अभी 1 मिनट टाइम दिखा, ये देखिए 10:16 हो रहे हैं गाइस, 10:16 हो चुके हैं, ये मोबाइल का टाइम है। और हम आपको मतलब अभी हम बता रहे हैं, अभी हम चर्च के अंदर ही बैठे हैं। यहाँ रात में लोग चाहे 9 बजे या 8 बजे, रात के वक्त आदमी कोई नहीं आता है, डर के मारे, सिर्फ डर के मारे। जो पहले आप लोगों को स्टोरी दिखाई गई है, उन लोगों ने एडिटिंग करी है, लाइटिंग करी है, उसके बाद यहाँ पे शूटिंग शूट किया हुआ है, उसके बाद आपको दिखाया गया, दर्शाया गया हुआ है। लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं लाए, हम सिर्फ एक मोबाइल लाए हैं, 2 टॉर्च लाए हैं, और बिना किसी हथियार के, बिना किसी चीज के हम बेखौफ यहाँ पर आए हैं। बस खतरा है तो जंगली जानवरों का, क्योंकि पूरा जंगल है यहाँ पर। वो मतलब आप हमको अच्छा रिस्पॉन्स दो, हम चटाई लगा के यहाँ पर रात में आपको सोकर भी दिखा सकते हैं, पूरी नाइट वीडियो दिखा सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो, डर जैसा, ये भूत वगैरह वगैरह ऐसी चीजें हो, तो हम यहाँ 2 मिनट भी नहीं रह सकते। हम क्या, आप क्या, कोई नहीं रह सकता यहाँ पर। यहाँ हमारा बचपन बीता हुआ है और हम यहाँ पर रह रहे हैं, और हमारी जगह को बदनाम किया जा रहा है कि ये ऐसा है, हॉन्टेड स्टोरी। कोई भी आता है बाहर से बंदा, तो पहले मेरी शॉप पड़ती है, तो मुझसे पूछा जाता है कि यहाँ पर वो डॉक्टर मॉरिस का कहाँ पे बंगला है, जहाँ पे रिसर्च होती थी, भूतों का बंगला कहाँ है। गाइस ये भगवान का एक स्थान है, चर्च है, और चर्च में कभी ऐसा कुछ नहीं होता। और अभी हम दूसरी जगह आपको लेके चलेंगे जो एक कब्र है, तो कब्रों के जहां हम गए थे सुबह कब्र के पास, तो वहां भी हम आज जाएंगे और अभी आपको दिखाएंगे कि कब्र में अभी क्या चल रहा है क्या नहीं। उसके बाद हम जाएंगे वो जगह कौन सी, द एवे, द एवे जो हॉस्पिटल है वहां भी हम जाएंगे, और उसके बाद आपको दूसरी जगह डॉक्टर मॉरिस का रिसर्च पॉइंट था जहाँ पे हम गए थे, वहां पर भी जाएंगे, वहां पर भी आपको ले जाएंगे। दिन में आपको पता है सांप कीड़े हमें दिखे, लेकिन हम फिर भी आपको सच्चाई दिखाने के लिए रात में ये रिस्क उठा रहे हैं। गाइज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर यहाँ किसी चीज का डर है वो सिर्फ जंगली जानवर का ही है, और कोई डर नहीं है। आप ये मंदिर में बैठे हो, आप ये मस्जिद में बैठे हो, आप ये चर्च में बैठे हो, आप ये गुरुद्वारे में बैठे हो, ये समझ लो आप पवित्र स्थान पर बैठे हो, आपको कभी कुछ नहीं होगा। और गाइज एक चीज और हो सकता है, हमारी ये ज्यादा ना चले टॉर्च, कोशिश करेंगे, हम इतने बड़े यूट्यूबर भी नहीं है आपको पता है, तो ये टॉर्च हमारी ज्यादा ना चले। अगर नहीं चलेंगी तो हम कोई व्यवस्था करेंगे, जैसे भी होगा हम व्यवस्था करेंगे। शायद इनकी बैटरी थोड़ा बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि लाइट थोड़ा कम लग रही है मुझे। तो अभी हम चर्च के अंदर है और एक एक वॉक अराउंड और हम आपको करा देते हैं, और उसके बाद टाइम कितना हो गया, टाइम देख, टाइम आपका हो चुका है 10:21 हो चुका है। ये देखिए, जैसे कि ये 10:21 आपके स्क्रीन में देख लीजिए, हमारी बैटरी की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हम आपको आगे की चीजें दिखाते हैं, आगे की चीजें दिखाते हैं, क्योंकि आपको हम पूरी चीज नहीं दिखाएंगे तो आप भी ये कहेंगे कि ये झूठ बोल रहे थे। हमें आपको सब चीज दिखानी जो हमने आपको दिन में दिखाई है, दिखाएंगे आपको, दिखा देता हूँ अगर आपको यकीन नहीं होता था। ये सिर्फ देखिए 2 टॉर्च है और एक हाथ में मोबाइल है, और एक मोबाइल से हम वीडियो बना रहे हैं, और ये बहुत कम हो चुकी है गाइज, आप देख सकते हो बहुत ज्यादा स्लो हो गई है जब से हम आए थे। अब इसका आपको पता है कितना चलता है, 1 घंटा 2 घंटा, तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी आपको एक वॉक अराउंड सब जगह का करा दें, ताकि ये ऑफ ना हो गाइज। ठीक है, एक वॉक अराउंड में आपको इस जगह का कराता हूँ। ये भी कम हो गया गाइज,
ये देखो टॉर्च पूरी हमारी कम हो चुकी है। ठीक है गाइज, तो अब हम चलते हैं यहाँ से बाहर। टॉर्च की दे जाइए अगर कमी रह जाए। इस रास्ते से हम दिन में गए थे गाइस, तो अभी हम चलते हैं नीचे की तरफ। तो ये तो गाइस अब हम जा रहे हैं उन कब्रों की तरफ जहाँ आपको हम दिन में लेके थे। के आसपास ही हम खाना खाएंगे गाइस। ये देखो कैसे टॉर्च लगा लगा के दिखा रहे हैं मुझे, मैं वीडियो बना रहा हूँ इनके और ये टॉर्च लगा लगा के दिखा रहे हैं कितनी तो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अभी हम दो जने ही हैं यहाँ पर और कोई नहीं है, बस खतरा है तो सिर्फ जंगली जानवर का है यहाँ पर और किसी चीज का खतरा नहीं है। और हम किसी गाड़ी किसी उससे नहीं आए, हम पैदल आए हैं घर से। पैदल आए हैं गाइस और मेन चीज ये है कि हमारे पास कोई हथियार नहीं है, अगर कोई जंगली जानवर हम पे हमला करता है तो हमारे पास ऐसा कोई हथियार नहीं है कि हम उसका जवाब दे सकें, बस ये खतरा है गाइस। और यहाँ ऐसा देखो ना आपके लिए कितनी बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, देखो ये टॉर्च लेके दोनों टॉर्च लेके 80 किलोमीटर दूर से आए हैं सिर्फ आपके लिए और कितनी रात में 10-11 बजे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप इनको रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो इनको दिल को भी ठेस पहुंचेगी। तो प्लीज इनका चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि इनको भी आगे हिम्मत मिले और आपको और भी चीज अच्छी अच्छी दिखाएं। अभी हम पहुंच गए हैं वो जो हॉस्पिटल मैंने आपको दिखाया था मॉर्स का। ये देखो यहाँ से हम ऐसे निकले थे, ये देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, कैसे गेट से निकल रहे हैं देख रहे हो, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाने के लिए। कैसा लग रहा है फिर आपको? गाइस बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है क्योंकि ऐसे गेटों से मुझे निकलना पड़ रहा है। तो जैसा भी है हम आपको वीडियो दिखाएंगे। ये हम जा रहे हैं, लाइट थोड़ा कम हो रही है गाइस, अभी मुझे ऐसा लग रहा है दोनों में लाइट कम हो गई है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको दिखा पाऊँ। और लाइट यहाँ भी उन्होंने जलाई है, जो आपको याद होगा जो हमको पहले मिले थे माधव सिंह जी वो यहाँ अभी रहते हैं, कोशिश करूंगा उनके पास जाके मैं उनको उठा पाऊँ। लेकिन मेन चीज ये है हमने नीचे हालांकि नहीं वो हमें डांटे ना और कि यार इतनी रात में तुमने हमको डिस्टर्ब किया, हमारे पास लाइटिंग नहीं है ज्यादा और ना ही ऐसी कोई हथियार है कि हम किसी जंगली जानवर का मुकाबला कर पाए। तो ठीक है जैसा भी है देख लेंगे गाइस, यार आपके लिए इतना भी कर सकते हैं, मतलब मेन चीज ये है ना गाइस, हम जो है सच दिखाना चाहते हैं आदमी को, सच क्या है वो आज हमें भी पता लगेगा, सच क्या है वो आज आप भी जानेंगे। ये हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर मॉरिस, ये अंदर कोई रह रहा है क्या? वही माधव सिंह इसी वाले में। अब देख लो गाइस ये हॉस्पिटल के अंदर रह रहे हैं और आप बोलते हो यहाँ भूत है। गुप्ता जी सॉरी हम बिना इजाजत के अभी रात में यहाँ आए हैं, हालांकि दिन में भी आपके जो माधव सिंह जी थे उन्होंने हमें अंदर नहीं आने दिया। माधव सिंह जी और ये देखिए गाइस आओ आए आगे माधव, मैं गाइस जो आपको बता रहा था दिन में कि मैं आपको माधव सिंह जी से मिलाऊंगा और माधव सिंह जी बाहर आ चुके हैं। और मेन गाइस मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि मेरा मेन पर्पज यही है कि मैं लोगों को बताऊं कि यहाँ ऐसा कोई ह्यूमर नहीं है, ऐसी कोई गलत फहमी आप पैदा मत करिए। ये पूरे हॉस्पिटल में गाइस, ये पूरे हॉस्पिटल में अकेले रह रहे ना आप, मैं इनके कमरे में जा रहा हूँ गाइस, देखो ये इनका कमरा है, ये देखो देखिए ये टाइम दिखाओ तो इनको, ये टाइम हो चुका है 10:44 गाइस, टाइम हो रहा है अभी 10:45 आप देख सकते हो, रात में चौकीदारी कर रहे थे बाहर निकल के। ये रहते हैं यहाँ पर, ये हम आपको झूठ नहीं बता रहे हैं या ऐसा कोई हमारा प्री प्लान नहीं है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। हमने आपसे दिन में भी कहा था कि हम आपको सच दिखाएंगे और वही सच हम आपको अभी भी दिखा रहे हैं। ये देखो
सोया हूँ। ये देखिए सोए थे अभी, इन्होंने आवाज सुनी कि कौन आया बाहर, तो ये तुरंत उठ के, अगर ऐसा कुछ होता डर के मारे भूत आ गया या ये आ गया तो शायद ये बाहर नहीं आते। ये हमारे इंतजार में ये सोच रहे कि हम आएंगे करके। ये देखो विश्वास भी होता है गाइज, और आप लोग भी हम पे विश्वास करिए। आप देख सकते हो ये इनका पूरा कमरा है, देख लो आप। अकेले रहते हो ना तुम? हाँ। माधव जी आप मेरे को ये बताइए ना कि मतलब मुझे दिन में ऐसा लगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब मैं कसम से कह रहा हूँ मेरे को लग रहा है कि हाँ आप यहाँ रहते हो। अब मैंने क्योंकि आपको देख लिया है सामने। ऐसी चीज हम भगवान के इंतजार में है कि कब हमें प्रभु के दर्शन हो ना। हाँ मतलब कभी आप कितने समय से, आपने बताया कि आप इतने समय से यहाँ अकेले रह रहे हो, आप देख लो गाइस एक बेड लगा हुआ है। मेन हमारा पर्पज ये गुप्ता जी से, गुप्ता जी हम ये मेरे कहने पे इन लोगों इनने अपने कमरे पे बुलाया है। हाँ। तो आप इनसे कुछ भी ना कहें ऐसा कि आपने कैसे आने दिया, हम ये लोकल पर्सन है जो आपके बंगलों में, तीन बंगलों हैं जिसमें गलत फहमियां इन लोगों ने फैलाई है, तो हम ये हटाना चाह रहे हैं कि हम रियल स्टोरी बना रहे हैं। अभी हम भी यूट्यूबर हैं, हम यहाँ पर सच बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में यहाँ पे टूरिज्म बढ़े। आप इनसे भी मिल सकते हो अगर आपको किसी भी चीज की कोई भी हेल्प चाहिए या किसी भी चीज का कोई भी सलाह मशवरा चाहिए कि आप माधव जी से मिल सकते हो गाइस। और एक बार मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक वॉक राउंड कराऊं पूरे इसका, जो हमने सुबह ही कराया था, तो ये मैं आपको एक वॉक राउंड करा रहा हूँ यहाँ का पूरा। अभी ये लाइट भी थोड़ा गाइस बहुत कम हो गई है गाइस, ये अब थोड़ा ठीक हुई ना। अरे देखो आप हम उसी बिल्डिंग के पीछे हैं जो हम सुबह जिस जगह पे घूम रहे थे, आपको दिखा रहा था मैं, ये उसी बिल्डिंग के अभी हम पीछे हैं। और हो सकता है गाइस इसमें ज्यादा पार्ट आ जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसमें से एक भी चीज, हाँ मैं एक भी चीज को काटूं, क्योंकि मैं काटना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आदमी को सच्चाई दिखे। और मैं सज्जू से भी कहना चाहता हूँ कि नीचे देख के चले क्योंकि और कुछ सांप चप्पल में आया है और ये सांप आपके हाथ पड़ सकता है, हालांकि जूते में भी सांप का डंक लगता है, लेकिन फिर भी चप्पल में थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ये देखिए ये हमारे संग खुद माधव सिंह, ये देखिए माधव सिंह जी, आप कुंडा लगाए। हाँ। माधव सिंह जी आए हैं और अकेले रह रहे हैं गाइस, इतना बड़ा आपको ये देखो ना, इतना बड़ा ये जगह है। एक बार टॉर्च लगाना माधव जी लास्ट तक, ये देखो आप इतना बड़ा बड़ी जगह है ये लास्ट तक देखिए। हाँ ये देखिए बहुत बड़ी जगह है गाइस, अभी हमारा टॉर्च भी वहां तक नहीं पहुंच रहा है, इतनी बड़ी जगह है। और इस पूरी जगह में ये अकेले रह रहे हैं गाइस, कोई कोई नहीं है इनके साथ, एक बेड लगा हुआ है। मैंने सिर्फ आपसे एक चीज गलत बोली थी कि वो नीचे रह रहे हैं, लेकिन वो वहां से आ चुके हैं। हाँ ये थोड़ा गलत हो गया था गाइस, मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, मेरे को मालूम नहीं था कि ये ऊपर आ गए, क्योंकि टेबल लगा हुआ देखा तो मेरे को लगा कि इनका अंदर कमरा है, लेकिन ये वहाँ नहीं, वो यहाँ रहते हैं, ठीक हॉस्पिटल में आके रह रहे हैं वो उसी जगह। मेन चीज ये कि गाइस जी वो दिखा भी देते ना, आओ आपको दिखा भी देते हैं, ये जिसमें रहे हैं वो दिखा। अच्छा उसमें भी रहे हो ना आप, ये देखो गाइस ये इसमें भी रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं रहा हूँ, लेकिन मैं सज्जू से कहूंगा अभी भी बार बार, क्योंकि यहाँ घास बहुत ज्यादा है। बांधने वाला हो गया इसको। अच्छा ये गाय का बांधने का हो गया ना पूरा। हाँ। ठीक ठीक तो दूसरा मालिक था उसने गाय बांधी, ये ठीक, इसमें जो पहली वाला मालिक। अच्छा अंदर गाय है ना, ना अभी नहीं है, जो इसमें पहला मालिक था ना। अच्छा वो यहाँ रहता था, उसकी फैमिली इसमें रहती थी। अच्छा जो जो इनसे पहले यहाँ रहते थे गाइस, वो यहाँ रहते थे, आप देख सकते हो कोई नेपाली थे बता रहे हैं। ये देखो यहाँ पर बेड भी लगा हुआ है एक, ये उन्होंने अपने लिए बेड लगाया था सर, ये चूल्हा था उनका यहाँ पर, ये इस जगह पे चूल्हा था उनका, तो वो चले गए गाइस नेपाल। पोस्टर लगा हुआ है सलमान खान का, सलमान खान ना, सलमान खान ही है, सल्लू ही है। हाँ ये सलमान खान का पोस्टर लगाया गाइस, आप देख सकते हैं लग चुका है इसमें। अब यहाँ कोई नहीं रहता, वो चले गए नेपाल, क्योंकि वो नेपाल गए थे। आप तो यहीं के हो ना माधु जी? हाँ ये लोकल के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम उस जगह पे हैं गाइस, अभी यार कीड़े गाइस बहुत ज्यादा आ गए हैं, आपको पता नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे, देखो ये टॉर्च की लाइट से बहुत ज्यादा कीड़े आ चुके हैं। ये वाला कमरा दिखाया था, ये वाला कमरा मैंने आपको दिखाया था गाइस, ये तो ये अभी इनका नहीं है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो शिफ्ट हो चुके हैं वो हॉस्पिटल, इससे शिफ्ट हो चुके हैं वो हॉस्पिटल वाले में, जिस जगह पे लोग बोलते थे कि यार ऐसा है वैसा है वहाँ ये ताजुब की बात है गाइस यार। नहीं आप ये बताओ कभी आप कभी कभी आपको ऐसा लगा या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि कुछ है, मतलब ही नहीं बनता है ये, यहाँ से स्टार्ट होता है
और ये वो आगे जहाँ लाइट जली है वहां पर ये एंड होता है गाइस। और ये इतने बड़े जगह पे यहाँ पर रहते हैं अकेले, और उसके बाद भी बाहर से लोग आते हैं और कहते हैं यहाँ भूत। बाथरूम के लिए बाहर आना पड़ता है 2 बजे रात में। अच्छा बाथरूम आप बाहर ही आते होगे ना? बाहर आता हूँ जी। 11 देखो गाइस टाइम हो गया 11:02। मैं जानता हूँ थोड़ा साउंड की कमी होगी क्योंकि अभी मेरे पास ये क्या बोलते हैं इसको हेडफोन, ये स्पीकर नहीं है या कोई हेडफोन नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा लाउड करूँ ताकि साउंड थोड़ा क्लियर आ पाए आपके पास। तो अभी हम माधव जी के रूम पे बैठे हैं, हालांकि इन्होंने हमें चाय का ऑफर किया। माधव जी प्लीज बैठो ना। हाँ जी, जैसे कि आप लोगों को बताया गया कि दिन में भी यहाँ जाने में डर लगता है, अजीब सी आवाजें आती हैं। हम रात में 11 बजे बैठ के अंकल जी के संग बैठ के यहाँ पर वो थोड़ा बातचीत कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि आपको ऐसा कुछ लगा या नहीं लगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 11 बज चुका है, ये अकेले इंसान है जो पूरी बाउंड्री पूरे इलाके को अकेले हैंडल कर रहा है। रात को इनको टॉयलेट भी जाना है तो 2 बजे रात उठ के ये 100 मीटर दूर जाते हैं। मैं भी जाते हैं, वो गम बूट रखे हैं मैं। इस मालिक के बगैर इजाजत के मतलब जो किया है तो ये बहुत गलत किया है। तो भाई मेन पर्पज यही था इस वीडियो को बनाने का कि आप लोगों को पता चले कि सच क्या है। जितने भी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आप जितने भी लोग हैं इसको शेयर करिए। अगर कोई कंट्री के इंडिया के बाहर भी इसको देखता है तो प्लीज मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम हियर इन अबाउट माउंट। आप यहाँ कभी भी आ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आज तक जितने भी यूट्यूबर ने वीडियो बनाई मेरे को नहीं पता उन्होंने क्या देख के बनाई, क्या सोच के बनाई। गाइस मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और तो सेकंड टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि मैं यहाँ के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। कि मैंने सज्जू से बात की, मैंने सज्जू को बोला कि यार क्या यहाँ ऐसा कुछ एक्टिविटीज है, मुझे तो कुछ ऐसा लगा नहीं। तो सज्जू ने मेरे को ये बताया कि यार ऐसा है नहीं, यहाँ लोगों ने बदनाम किया हुआ है, लोगों ने गलत ह्यूमर फैलाया हुआ है कि यार यहाँ हॉरर है, भूत है या ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ आए जितना ज्यादा से ज्यादा। और ये जो जगह है जहाँ अभी माधव जी रह रहे हैं, द एवे, ये जगह का नाम है द एवे। बहुत जल्दी आप द एवे को गूगल पे, प्ले स्टोर पे या फिर आपका यूट्यूब में सर्च करें द एवे नाम से, पूरा आपको दिखाएंगे। जो हम आपको लाइव दिखा रहे हैं ये आपको भी दिखाएंगे, वही चीज दिखाएंगे। और तो गाइज अभी माधव जी ने मेरे से ये कहा कि वो कुछ कहना चाहते हैं, तो एक बार सुन लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। तो ठीक है गाइस, मैं माधव जी की तरफ कैमरा करता हूं और पूछता हूं उनसे कि वो क्या कहना चाहते हैं। एक ऐसी जगह है कि वहां 13वां जो है तो गुप्त ये ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है जी। इस जरिए के जगह जो है तो मतलब जरिए इस जगह के जरिए से उस 13वां ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से जो है तो दुनिया में कोई इच्छा पूर्ण मतलब जो है तो मांगने की जरूरत नहीं है। जो उस लिंग के दर्शन कर लेगा जी उसकी सारी इच्छाएं यहीं पूरी हो जाएंगी। ये वो जगह है जी। तो यही माधव जी आप कहना चाहते थे? हाँ, 13वां ज्योतिर्लिंग बता रहे हैं माधव जी, उसका दर्शन कर लेगा तो, उसका अगर दर्शन आप लोग कर लेंगे तो आपकी तो सारी इच्छाएं पूर्ण है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी गलत नहीं है कि आपको डर लगे। ये जहाँ पर पवित्र स्थल होता है वहां पर गंदी चीजें नहीं होती है। आप अगर मंदिर में जाते हो तो एक अच्छे विचारों के साथ जाते हो, गलत विचारों के साथ नहीं जाते हो। बाकी माधव जी ने आपको बता दिया है, अभी लेट भी हो रहा है काफी और हमारे पास ज्यादा वो भी नहीं है टॉर्च वॉर्च साधन ना, गाड़ी लेके आए हैं और हमें जाना भी है। तो हमें अभी आपको रिसर्च पॉइंट दिखाना है, तो थोड़ी बहुत बची हुई लाइट के साथ हम वहां जाएंगे। तो गाइस एक मिनट में टॉर्च जला लेता हूँ क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा हमारे पास सब लिमिटेड है, ऐसे करना पड़ रहा है, ऐसे सब लिमिटेड है गाइस, अभी बहुत जगह जाना है तो ये तो बहुत ही कम हो गया। इसको बंद कर दो ना। तो गाइज यहाँ पर एक बार उजाले में आता हूँ, अब वक्त हो गया है विदा लेने का माधव जी से, और माधव जी से हम गुड नाइट बोलते हैं। और अभी 11:30-12 के आसपास हो चुका है, दिखा रहे हैं हम यहाँ से किस टाइम, दिखाता हूँ गाइज मैं आपको अभी, हम आपको और पल, पल कसम से मेरे को भी इतनी नींद लग रही है ना। ये देखिए 11:30 हो चुका है, 11:29 11:29 हो चुका है गाइस। अभी हमें जाना है कौन सा क्या था, रिसर्च पॉइंट था जहाँ जो डॉक्टर मॉरिस थे, जहाँ वो रिसर्च करते थे, लोगों को चीरफाड़ करते थे, उस जगह पे जाना है। वक्त हो गया माधव जी से विदा लेने का। ठीक है माधव जी आप सो जाइए। अब एक तो लाइट भी बहुत कम होगी गाइस, हमारे पास लाइट की बहुत शॉर्टेज होने वाली है आगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये हम आपके इंटरटेनमेंट टॉर्च है गाइस, ये बस और कुछ नहीं है। टॉर्च भी गाइस हमारी बहुत ज्यादा कम हो गई है, पता नहीं वहां पर पहुंचने तक बिल्कुल ही कम ना हो जाए। कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वहां हम पहुंच पाए।
तो मिलते हैं आपको रिसर्च पॉइंट में, क्योंकि लाइट भी बचानी है, लाइट भी बहुत बचानी है। तो मैं गाइस ये वाली लाइट बंद कर रहा हूँ, अब हम टॉर्च की लाइट में चल रहे हैं। अब यहाँ आइए, ठीक है, रात होती है, रात में डर सबको लगता है। अब ये जो ये दिखा रहे हैं ना ईसा मसीह जी का जो ये है, ये देखो आप भी जानते हो, ये देखो, तो इसको लेके भी उन्होंने बोला कि ये इनके ऐसे टंगे हैं, इसको देख के डर लग रहा है, तार वाड़ बंदी है, पूरा बंद किया है। ये तार वाड़ प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसलिए बंद किया, प्राइवेट प्रॉपर्टी गाइज, इसलिए इसको बंद किया हुआ है। ये ऐसा कुछ नहीं है, अभी ताला जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ नीचे निकल के, ऐसे तो हम कर रहे हैं गाइज आपके लिए। ये देखो सज्जू जा रहा है, और अब मैं आता हूँ, कैमरा पकड़ाता हूँ सज्जू को। दिक्कत ये है कि कितनी मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं इसको आदत है, एकदम निकल जा रहा है, निकलने में टाइम लग रहा है। यहाँ पर कांच भी है इसलिए, ये देखो ना शरीर भी तुम्हारा चौड़ा है ना, मैं पतला हूँ यार, पर गाइस ये देखो कांच, ये कांच भी है इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं डॉक्टर मॉरिसिस का जहाँ पर रिसर्च सेंटर था, ये वो जगह है क्या, यहीं से चढ़े थे? नहीं यार, ये जगह नहीं है। अब हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए गाइस, हम सुबह कहाँ से चढ़े थे, देखो ये चल रहा है ऊपर, ये देखो कैमरा, तो मैं तुम्हारा हाथ खींच, कैमरा पकड़ एक बार, तो से पकड़े रहो, मैं हाथ खींच रहा हूँ। 11:43 हो रहा है गाइस रात के, तो हम अब जा रहे हैं डॉक्टर मॉरिसिस के रिसर्च सेंटर पर। ये देखो ये वो जगह है, यहाँ मैंने आपको दिखाया था अंदर, एक बार टॉर्च लगा, डॉक्टर मॉरिसिस यहाँ पर रिसर्च करते थे इस जगह पे, जो मैंने आपको सुबह दिखाई थी जगह, ये वो जगह है। अब हम चलते हैं दूसरी जगह, ये देखो। अब मेन चीज़ ये है ना गाइज, पुरानी जब कोई चीज़ हो जाती है तो खंडर हो जाती है, अगर आप उसकी देखभाल ना करो तो वो चीज़ बेकार हो जाती है, तो वही इसके साथ हुआ है। ये देखो, और ये मैंने आपको दिखाया था खिड़की से, ये मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से, पहले मैं नीचे देख लेता हूँ सांप वाप ना हो, यहाँ पर इसी का खतरा है। ये देखो गाइस, ये देखो, और ये देखो, ये मैंने आपको सुबह भी दिखाया था, और ये मैं आपको अभी भी दिखा रहा हूँ गाइस। टाइम देख सकते हैं आप, टाइम आप देख लो, 11:45 हो रहा है। पहले हम लोग बोल रहे थे ना गाइस कि खाना खाते, लेकिन हम खाना नहीं खाया, हमने भूख नहीं लग रही थी, क्योंकि दिन में नहीं, ऊपर वाला तो नहीं दिखाना है, ये दिखाते हैं ना। हाँ, तो ये देख लीजिए गाइस, एक वॉक अराउंड करा देता हूँ आपको इसका पूरा, यहाँ से कहीं से जगह, ये देखो यार, टॉर्च भी तो गाइस, सॉरी टॉर्च के लिए, बहुत बहुत सॉरी मैं बोलूँगा, क्योंकि लाइट हमारे पास बहुत लिमिटेड है। ये वो जगह है, कहाँ से यहीं से ना, ये देखो गाइस, ये वो जगह है, और ये पूरा बंद हो चुका है, मेरा वाला तो पूरा बंद हो गया, हो चुका है, सज्जू का फिर भी चल रहा है थोड़ा बहुत। अब देखो, ये देखो, थोड़ा नीचे भी देखना है गाइस, क्योंकि यहाँ सांप हो सकता है, और कुछ नहीं। ये वो जगह है जिसके बारे में लोगों ने बोला है कि यार यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, या यहाँ कुछ हॉरर इस टाइप का है। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि गाइस आप यहाँ आओ, यहाँ रहो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये देखो आप, तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ से। तो ये हो गया, आपको मैंने पूरा दिखा दिया गाइस, अब टाइम भी दिखा देता हूँ एक बार आपको। अभी कितना बज रहा है, 11:47 हो चुके हैं PM। ये देखो अब इसका टॉर्च दिखाई दे रहा है, ये पूरा डॉक्टर मॉरिसिस का छोटा टॉर्च है, छोटा टॉर्च भी है। तो ये डॉक्टर मॉरिसिस की वो जगह है रिसर्च, जहाँ ये जहाँ वो रिसर्च किया करते थे, ये वो जगह है जहाँ पर ये जैसे कोई डेड होने वाला है तो उसको लेके आके वो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते थे गाइस। तो ये वो जगह है ना, अगर काफ़ी नहीं है तो बताइए हमको क्या कर सकते हैं हम, और अगर इतना आपको यकीन नहीं हो रहा है तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। अब नीचे उतरना बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क है मुझे लग रहा है गाइस, ये बहुत ज़्यादा गहरा है। सज्जू ये पकड़ के यार, अच्छा एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये हर एक यूट्यूबर के लिए है, कि उसको पता, यूट्यूबर को पता है कि कितनी मेहनत लगती है गाइज हर एक वीडियो बनाने में,
तो वही मेहनत मेरी भी लगी है। अब जो पुराने यूट्यूबर हैं गाइज, वो तो बहुत जल्दी उनको आइडिया है, मैं नया यूट्यूबर हूँ, मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को बहुत टाइम लगता है हर चीज़ में, एडिटिंग में और शो करने में, मुझे आदत नहीं है। अभी हमारे पास ऐसा कोई हैंडी सेट भी नहीं है कि हम अच्छी क्वालिटी दिखाएं आपको, अच्छी क्वालिटी दिखाएं, अपने हेड अपने हैंडफोन से आपको दिखा रहे हैं, जो भी दिखा रहे हैं नॉर्मल मोबाइल से गाइज हम शूट कर रहे हैं नॉर्मल, ये आप देख सकते हो टॉर्च, नॉर्मल टॉर्च है ये देखो मोबाइल से हम लोग शूट कर रहे हैं, नॉर्मल टॉर्च लगा के मोबाइल की टॉर्च से हम काम कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास है, हमारी वीडियो के ऊपर विश्वास है, तो इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस। आप कमेंट ना भी करें, लाइक ना भी करें, लेकिन शेयर करें, ताकि जितने भी लोगों को गलतफहमी हुई है वो दूर हो उन लोगों की। हमारा उद्देश्य यही है कि लोग यहाँ पर अच्छी पॉजिटिव सोच लेकर आए, गलत सोच लेकर ना आए, क्योंकि कोई भी आता है तो हमारा घर पहले पड़ता है, हमसे पूछते हैं लोग कि यहाँ पर कोई ऐसा, ये मुक्ति कोठी कहाँ है, डॉक्टर मॉरिस का बंगला कहाँ है, यहाँ पर भूत है वो, तो इस सोच से कोई ना, यहाँ पर कोई कौन सा व्यू पॉइंट अच्छा है, इस सोच लेकर आदमी यहाँ पर आए। और जितने भी यूट्यूबर हैं, मैं उनसे भी ये कहूँगा कि गाइज आप लोग फेमस हो, आप लोग पॉपुलर हो, आप लोग यहाँ आओ, आप लोग यहाँ आओ, और जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप बनाओ, क्योंकि मेरी वीडियोज पता नहीं कोई देखेगा या नहीं देखेगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपकी वीडियोस बहुत लोग देखेंगे। तो सारे चैनल वालों से मुझे रिक्वेस्ट करता हूँ, सारे जितने भी चैनल वाले हैं, जितने भी टीवी वाले हैं, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि गाइज आप सब लोग यहाँ आइए, आप सब लोग यहाँ जो मैं कर रहा हूँ, जो कदम हम दोनों ने उठाया, वो कदम आप उठाइए और अच्छा दिखाइए, सही दिखाइए, अच्छा दिखाइए, सही दिखाइए। और लास्ट में मैं ये कहूँगा गाइज, यार सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जो भी करना है जल्दी करो। तो ठीक है गाइस, अब हम निकलते हैं सज्जू के घर को, आज मैं सज्जू के घर पर ही रुक रहा हूँ, तो क्योंकि रात भी लगी है, खाना भी नहीं खाया, खाना नहीं खाया, हम सिर्फ आपके लिए मेहनत कर मतलब, रहे हैं, और खाने से भी हमें कोई मतलब नहीं। हाँ गाइस, मेहनत गाइस, मैं बताऊँ, हमारा प्लान ये और था कि पहले हम चर्च दिखाते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, तो मैंने कहा पहले यार व्लॉग करते हैं आराम से, उसके बाद आराम से बैठ के खाएंगे। अब तो ऐसा हो गया कि भूख भी नहीं लग रही है, अब तो खाना भूख तो सोच रहे पूरी रात बनाए, लेकिन इतना लंबा चौड़ा वीडियो बना के भी कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं जब है जब तक आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करोगे। जितना हमने आपको दिखाना था उतना सब कुछ दिखा दिया। अभी भी हम वो जो डॉक्टर मॉरिसिस का जहाँ पर रिसर्च सेंटर है उसी के पास पे खड़े हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो अभी तक हमारे साथ बहुत कुछ हो गया होता गाइस, बहुत कुछ हो गया होता। प्लीज 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 सपोर्ट करना, ताकि हम आपको और भी बहुत सी अच्छी चीजें दिखाएं, यहाँ उत्तराखंड में कितनी अच्छी अच्छी जगहें हैं, ये बहुत सी चीज दिखाएंगे मनीष भाई आपको, लेकिन सब्सक्राइबर भी बढ़े, सपोर्ट भी मिले, तो काम करने में अच्छा लगता है, आप साथ में होगे तो हर चीज में अच्छा लगेगा गाइज। वही है, अगर आप लोगों का साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, तो मेरे को भी उत्साह बढ़ेगा और मैं भी और अच्छी तरह से वीडियो बनाऊंगा, और जहां आप बोलोगे मैं वहां जाऊंगा, जितनी भी हॉन्टेड जगह है ना भारत की, हम उन सब हॉन्टेड जगह, दोनों जने ज्यादा भी नहीं, और हो सकता है एक बंदा और हमारे साथ आ जाए या जुड़ जाए बाद में, क्योंकि उसको भी शौक है, हालांकि उसका सूट चल रहा है गाइज, वो नहीं आ सकता, लेकिन हम उसको भी जोड़ेंगे, हम तीन जने कहीं भी जाएंगे भारत में, आप जहां बोलोगे वहां की आपको सच्चाई दिखाएंगे। जैसे राजस्थान का एक कोई बताते बंगला, बहुत हॉरर बंगला है, तो वहां की सच्चाई भी आपको बताएंगे, और आपका पाताल उमेश्वर एक गुफा है, वहां पर को शिव जी की जटाएं हैं, वहां पर को कई चीजें हैं, बहुत सी चीजें आपको दिखाने वाले, बहुत मजा आने वाला है आगे तक अगर आप हमारे संग जुड़े रहें, बहुत मजा आने वाला। तो गाइस ठीक है, व्लॉग में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अब हम जाते हैं घर पे, बाकी बात करेंगे घर पे, मिलते हैं घर पे जाके, बहुत ज्यादा थकान हो रही है मेरा, लगे कि हम अभी जाके खाना खा रहे हैं, मतलब ये टाइम दिखा के, ये ट्राइपॉड गाइज, ये ट्राइपॉड पकड़ा है, बहुत ज्यादा थक गया हूँ मैं, अब हाथ में भी इनके दर्द हो रहा है, हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है गाइज। तो ठीक है गाइज, ये लिमिटेड जो भी है ये बंद होने वाला है, ठीक। तो ठीक है गाइज, अब वक्त हो गया है व्लॉग को एंड करने का, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और मैं सॉरी भी बोलना चाहूँगा गाइज, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, काफ़ी नहीं बल्कि बहुत लंबा हो गया है, अमन मैं जितने 10 मिनट के मैं वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन ये 25-30 मिनट का या शायद 25-26 मिनट के आसपास हो गया है, क्योंकि गाइज ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी चीज़ आप इसमें से मिस करें, इसलिए थोड़ा लेंथी हो गया गाइज। तो ठीक है गाइज, आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया हो, तो ठीक है गाइज, गुड बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, धारे का पानी पी लेना, हनुमान मंदिर के दर्शन कर लेना, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय, टेक केयर।